बहुत बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं कि यहाँ चौकी खोली जाए, चौकी दोबारा खोली जाए, क्योंकि उसी रोड पे हमारा मेन बाजार है, वहाँ पे स्टेडियम है जो हजारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पार्क है, स्कूल भी वहाँ पे हैं, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है वहाँ चौकी होना। ये सबसे जरूरी काम था आज गिरमानी जी ने हमारे को बताया और सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं। दोहाना के अंदर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो इसके लिए कुछ समय पहले एक चौकी खोली गई थी, समता चौकी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से खत्म कर दी गई थी। लेकिन आज फिर से जो शहर के प्रबुद्ध हस्तियां हैं, इंद्रजीत वीरमानी हैं, आजाद मलिक हैं, राजवीर दहिया हैं, बलवान पन्नू जी हैं, तमाम पार्षद हैं यहाँ पे, सभी पहुँचे हैं और DCP अभी भारतीय डबास से मिले हैं, तो एक गुहार लगाई गई है कि जो चौकी है वो फिर से खोली जाए। अभी मुलाकात की आप लोगों ने, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्यों जरूरत है इस चौकी की? बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हुई है, सभी साथी, हम साथी थे, दहिया साहब थे, पन्नू साहब, तमाम पार्षद साथ थे। ये काफ़ी समय से जो जब से चौकी बंद हुई है तब से वहाँ से सुरक्षा का अभाव है। बहुत बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं कि यहाँ चौकी खोली जाए, चौकी दोबारा खोली जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब हम पुनः आज मैडम भारती डब्बास से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ऊपर सीनियर से बात करके इस समस्या का जल्द समाधान कराएंगे, क्योंकि उसी रोड पे हमारा मेन बाजार है, वहाँ पे स्टेडियम है जो हजारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पार्क है, स्कूल भी वहाँ पे हैं, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है वहाँ चौकी होना। काफ़ी समय से वहाँ चौकी चल रही थी पहले, पता नहीं क्यों उसको तोड़ा गया, ये बात समझ में नहीं आई। अब दोबारा हमने आवेदन किया है, निवेदन भी किया है कि दोबारा इस चौकी को चालू किया जाए। अनु साहब क्या कुछ मानते हैं सुरक्षा की दृष्टि से आप? ऐसा है देखो, सुरक्षा तो जैसे वो चौकी थी वो इतनी पुरानी चौकी थी, जैसे वहाँ से लोग निकलते थे या वो आसपास के लोग, जैसे बाप का सिर पसाया होता है ना और वो हट जाता है तो एकदम से आदमी यूं महसूस हो जाए जैसे हमारा कुछ खो गया। तो वो जब से चौकी हटी है तो लोग जो है एक वो एक सुरक्षा से महसूस कर रहे थे कि शहर का बीच का वो स्थान है, गढ़ है, और वहाँ पर बिल्कुल एक साथ हमें पुलिस चौकी होने से लोग जो है ना यूँ निश्चिंत से हो जाते हैं कि अगर कोई बात होगी तो फौरन हमें सहायता मिल जाएगी। तो अब देखो सरकार ने जो है ना आश्वासन दिया है मैडम ने कि बहुत जल्दी वो चौकी खुल जाएगी। ये सब क्या करना है? ये सबसे जरूरी काम था आज गिरमानी जी ने हमारे को बताया और सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं और मैडम का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये सबसे जरूरी बात है वहाँ चौकी की, क्योंकि बच्चियाँ भी आती हैं स्टेडियम में और शहर के व्यापारी वर्ग भी वहाँ काफ़ी है, और पुरानी चौकी थी, टूटनी नहीं चाहिए थी, जो तोड़ दी चलो कोई बात नहीं, तो दोबारा इन्होंने आश्वासन दिया है, ऊपर सीनियर से बात करेंगे, और इसके लिए अगर कोई और भी बात होगी आगे तक जाना पड़ेगा तो उनसे बात करेंगे, अगर यहाँ से लोल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे तक इसकी बात करेंगे ऊपर सरकार से और इसको चालू कराएंगे किसी भी कीमत पर। आपका तो वार्ड है वहाँ पे, किस तरह की महसूस करते हैं कि चौकी होनी चाहिए? चौकी ना होने से तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई वारिवार सी नहीं है। अब तो शहर की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो समता चौकी खोलने के लिए जो भी मैम ने आश्वासन दिया है वो बहुत जरूरी है, और चौकी खुलनी भी चाहिए क्योंकि पार्क भी है, शहीद मदनलाल धिंगड़ा स्टेडियम भी है, स्टेडियम बच्चे आते हैं हजारों, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो समता चौकी का खुलना बहुत जरूरी है। आपका भी वार्ड वहाँ नज़दीक है, उसमें वार्ड हमारे भी है, वार्ड उसको मैडम का वार्ड मेरे का, तो वहाँ चौकी तो जी खोलनी चाहिए, और जो यक्रिय बंद करी है उसके बाद वहाँ पर जी गुंडागर्दी भी बढ़ गया, ठेके भी होने सारे गुंडा छोरिया का, स्कूल भी है, कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो चौकी तो जी खोलनी चाहिए, खोलनी चाहिए, डिमांड है आपकी। आपका भी वार्ड वहीं पे है बाजार, मेन बाजार में। हाँ जी, वहाँ चौकी जरूर खोलनी चाहिए क्योंकि बच्चे आते हैं ना स्कूल से, लड़कियाँ आती है खास तौर से, हमने पहले भी उनको कंप्लेंट की थी कि जब छुट्टी होती है तो दो पुलिसकर्मी वहाँ चौक पे खड़े हुए और उसके बाद ये बंद हो गई तो हमें अच्छा नहीं लगा, और एक सुरक्षा के लिए ये चौकी जरूर खुलनी चाहिए।